हाय गाइस, आप देख रहे हैं प्रीति नायक चैनल और मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं आज का सैटरडे वीडियो। नाउ सैटरडे वीडियो हमेशा एक कोई भी एक प्रोडक्ट रिव्यू का होगा, नहीं तो कोई DIY होगा, ठीक है। तो मेरे वीडियोस आते हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। सैटरडे वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है, तो चलिए आज का प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं। तो अभी जब मैं वेकेशन में गई थी, मैंने एक नया प्रोडक्ट वहाँ से लिया था जो कि है लॉरियल पेरिस कलर रिस्टा हेयर मेकअप। ये तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज फॉलो करिए, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा अपडेट्स, डेली अपडेट्स आते रहेंगे। तो अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपको पता था मेरे रेड हेयर मैंने करके रखे हैं और फोटोज में मैंने रेड हेयर का जब फोटो डाले थे तो लोग बोल रहे थे वाह व्हाट अ कलर ये वो। तो वो सारा चीज टेम्पररी था और वो मैंने इससे क्रिएट किया था। तो आप ये फोटो देख सकते हैं, इसमें कोई नहीं बता पाएगा कि ये टेम्पररी कलर है और ये मैंने खुद घर पे 5 मिनट में किया था बाहर जाने से पहले। तो वो सब मैंने इसके मदद से किया था। तो ये क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैं आपको बताऊंगी और सारा डिटेल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक कर दूंगी कि आप भी इसको यूज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉरियल पेरिस का कलर रिस्टा हेयर मेकअप, सॉरी फॉर ब्रूटर्स एंड ब्लैक हेयर, वन डे कलर फॉर टिप्स एंड स्ट्रैंड्स, और ये रास्पबेरी 10 में है। तो आप जब ये खरीदेंगे तो इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन रहते हैं कि आपका हेयर टाइप कैसा है, क्या आप ब्लॉन्ड है, आपका ब्लैक है, ब्राउन कलर है, उस हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हैं। या आपको पसंद है एक दिन का कलर है, कुछ भी लगाना है तो उस कलर रेंज से भी आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा से रेड कलर ट्राई करना था, ये बहुत अच्छा है। अगर आपको चेक करना है कि यार ये कलर मुझ पर सूट होगा क्या, करवा के देखती हूँ, एक दिन की बात है, सस्ता आता है, एक दिन की बात है, लगा के देखती हूँ अच्छा लग रहा है तो परमानेंट करवाऊंगी, तो उसके लिए तो बेस्ट है। तो इसके बहुत सारे कलर्स थे, ब्लू, ग्रीन, एक्वा ब्लू, तो आप बोलो और वो कलर उनके पास अवेलेबल है। तो पैकेजिंग ऐसी है, सिंपल क्यूट पैकेजिंग, ये $9 का था वहां पे, इंडियन रुपीज, और सारा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी आप कहाँ से ले सकते हैं, ये भी मैं डाल दूंगी। तो स्टार्टिंग में ये है और उसके बाद उन्होंने दिया है कि कैसे आपको यूज करना है। प्ले एंड कस्टमाइज योर लुक, मिक्स इट, मिक्स्ड हेयर मेकअप शेड्स एंड क्रिएट योर लुक, प्ले इट वेयर अलॉन्ग विद मल्टीपल कलर्स, ये भी आप कर सकते हैं, 3-4 कलर लेके फंकी लुक क्रिएट करना है फॉर श्योर आप कर सकते हैं। और आप उसको इजिली वॉश कर सकते हैं, आपको नॉट इवन शैम्पू की भी जरूरत नहीं है, विथ वॉटर ये निकल जाता है, इतने स्मूथली निकलता है कि आप बिलीव नहीं करोगे लिटरली। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। यूसेज एडवाइजरी, इंग्रीडियंट सब दिए गए हैं जो हमें जरूरत नहीं है। मैं इतना बता सकती हूँ कि इसमें कुछ हार्मफुल इंग्रीडियंट्स नहीं है, वो मैंने पढ़ के देख लिया। नाउ मेकअप योर हेयर, इट्स नॉट अ हेयर डाई, इट्स मेकअप फॉर हेयर, जेंटल लीव इन कलर फॉर वन डे कलर दैट वॉशेज आउट विथ वॉटर और शैम्पू। तो इतना ईजी है, इसके लिए आपको यहाँ पे लिखा है नो ग्लव्स रिक्वायर, लिटरली हाथों से मैंने लगाया है। इंटरमिक्सेबल कलर्स, 3-4 कलर्स मिक्स करो, फंकी लुक क्रिएट करो। ट्रांसफर रेसिस्टेंस, वंस ड्राई, ट्रांसफर रेसिस्टेंट टेक्नोलॉजी मिनिमाइजेस ट्रांसफर अंटिल यू वॉश इट आउट, लिटरली जब तक आपके बाल गीले नहीं होंगे ये कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करेगा। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने एक दिन के लगाया था, मैं गई थी एक जगह घूमने के लिए, वो जब मैं वीडियो में डालूंगी आप देखेंगे मेरे रेड हेयर्स है। उसके बाद जब मेरे बालों में स्वेट आने लगा और गर्मी होने लगी तब वो जाके निकल रहा था, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। तो थैंकफुली तब तक मैं घर पहुंच गई थी, मगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा होता है। एप्लीकेशन टिप्स जो दिए गए हैं, प्लेस टॉवल अराउंड शोल्डर्स टू प्रोटेक्ट योर क्लोथिंग, मगर लिटरली वो पानी से निकल जाता है तो कपड़े की टेंशन नहीं है, अगर आप आराम से घर का कपड़ा पहन कर लो। विथ योर फिंगर टिप्स अप्लाईज अ डाइम साइज अमाउंट इन टू योर थिन ऑन टू अ थिन ड्राई स्ट्रैंड ऑफ हेयर, नो ग्लव्स नीडेड,
कॉम्ब और ब्रश है टू डिस्ट्रीब्यूट हेयर मेकअप, हेयर ड्राई और ब्लो ड्राई है स्टाइल एज डिजायर्ड, तो ये आप कर सकते हैं। और आप कैसे अपने बाल शेड में ला सकते हैं, दैट इज लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लॉन्ड में वो कैसे दिखेंगे, लाइट ब्राउन में ऐसे 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 उन्हें शेड्स बताए हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट जो उन्हें दिया है वो है रिजल्ट्स एंड लास्टनेस विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कलर एंड कंडीशन ऑफ द हेयर। ठीक है, कलर मे लास्ट लॉन्गर ऑन ब्लीच, पोरस और डैमेज हेयर, हेयर मे हैव डिफरेंट फील अंटिल हेयर मेकअप इज वॉश्ड आउट। इस चीज पे मैं कहना चाहूंगी दैट हेयर मे हैव अ डिफरेंट फील अंटिल हेयर मेकअप इज वॉश्ड आउट। इसका मतलब ये है कि आपके बाल जो है थोड़ा आपको ड्राई फील करेंगे और वो शो फील करेंगे, ये इसका एक नेगेटिव पार्ट है जो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा है, आपको एक अच्छा कलर मिल रहा है, एक अच्छा टेक्सचर मिल रहा है, सब कुछ है, मगर ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे दिन खत्म होता जाएगा या जैसे जैसे 7 to 8 hours के बाद आपको थोड़े से ब्रिटल और थोड़े से हार्ड फील होंगे, वॉश इट आउट और आपके नॉर्मल जो नेचुरल टेक्सचर है वो मेंटेन रहेगा, कुछ नहीं होगा, एक शैम्पू भी कर लो और आपके बाल वही सेम बाल हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो ये है कलर रिस्टा लॉरियल पैरिस का और ये मैंने $9 में खरीदा था। बस इतना है, अब अंदर से दिखाती हूँ। तो ये हमने खोल दिया और सिर्फ इतनी सी बॉटल है और हर कलर में अवेलेबल है, कैन यू बिलीव दैट, मैं ज़्यादा कलर्स लेना चाहिए था। अच्छा अंदर भी उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन देके रखा है, पूरा डायग्रामेटिकली कि कैसे करना है। एक मैं खुद के दिखाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, तो उन्होंने अंदर पूरा डायग्रामेटिकली डिस्क्रिप्शन दिया है कि आप एक टॉवल रखो, ब्रश रखो, ब्लो ड्राई कर लेना, लास्ट में अगर आपको करना है कुछ स्टाइल करना है आप कर सकते हो, जो पैकेजिंग में बाहर दिया था वही है। बस यहाँ पे उन्होंने बताया कि थोड़ा डैम्प साइज का ले लेना और लगा लेना, यहाँ पे पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे आप लगाओगे और वो हो जाएगा। तो ये था पूरा, अंदर भी उन्होंने पैकेजिंग के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और ये है हमारी छुटकू सी L'Oreal Paris Colorista है मेकअप, वन डे कलर, रास्बेरी 10 है ये वाला कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये पूरा का पूरा है 30 ml का या। तो बस चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं कोई टॉवल नहीं ले रही हूँ, बिकॉज ये मैं पहले भी लगा चुकी हूँ और मुझे पता है इसको कैसे लगाना है, मगर अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये आपके बाल हैं, आप सिंपल कुछ नहीं करिए इतना सा, और मैं आपको लिटरली इसको वॉश करके भी दिखाऊंगी कि आप इसको कैसे इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो आपको कोई भी साइड चाहिए, चलिए हम ये ले लेते हैं, राइट। तो मैं आपको जैसा लुक चाहिए, तो मैं चाहती हूँ सिर्फ लोअर एंड्स में मेरे रेड कलर शो हो और बाकी एंड्स ब्लैक रहे, तो चलिए हम वैसे करेंगे। एक बार ब्रश कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब ये है, लिटरली हाथ से इतने इजीली रिमूव हो जाएगा ना, तो ये रहा, ये है कलर, स्मेल बहुत अच्छा है इसका, लिटरली वो अच्छा अच्छा स्मेल है, बचपन की याद आ जाएगी। और इसको आप लीजिए, आपको दिख रहा है मैंने इतना कलर लिया तो ऐसा होगा, और उसको अच्छे से स्प्रेड करिए। अगर आपको थोड़ा और कलर चाहिए फॉर श्योर आप ले सकते हैं, ये लिया, इसको ले लीजिए और अच्छे से स्प्रेड करिए। तो ये मेरा रेड कलर हो गया है, अभी आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपके बाल गीले हैं, अभी गीले हो गए हैं। हाँ, और एक और टिप है कि आपको कोई गीले बाल में लगाने की जरूरत नहीं है, ये ड्राई बालों में ही लग जाएगा। तो ये ऐसे हो गया है और मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू है, खुशबू इतनी अच्छी कि आपको लगेगा कि हाँ यार चलो लगाओ, नहीं तो कुछ कुछ बहुत गंदा स्मेल का होता है। ठीक है, तो ये हो गया, एक सेकेंड स्ट्रैंड भी लूंगी। और
अब उसको लीजिए, तो दोनों को एक और बार मिक्स कर लीजिए। ये रहा, मिक्स कर दिया। थर्ड स्ट्रैंड, ये कलर दिख रहा है। अब चलिए हम इसको, अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे रख के ही सुखा सकते हैं, अगर मैं इसको ब्लो ड्राई कर दूंगी फटाफट। ब्लो ड्राई करने से आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में ये कैसा दिखेगा। तो और मैं इसको धो के आती हूँ। ये आप लिटरली एक बार पानी लाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कितने ईजिली चला जाएगा। जब तक ये सूख रहे हैं, ट्रांसफरेबल नहीं है, तो जब तक वो सूख रहा है और वो कहीं ट्रांसफरेबल नहीं है, एक बाउल में पानी है मैंने डाला, देखिए कलर लाइट हो गया। और आप उसको इजीली, कोई सोप वाटर कुछ नहीं है इसमें, चला गया। तो आप लिटरली पानी से इसको निकाल सकते हैं, आपके बालों का कलर इजीली निकल जाएगा, नॉट इवन शैम्पू की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा हाथ भी धो लो, दूसरा हाथ में इतना है तो उसको अच्छे से निकालना पड़ेगा। तो हाथों का कलर पूरा जा चुका है और अभी मेरे हाथ गीले हैं तो मैं उसको छू नहीं सकती, नहीं तो वो पूरा निकल जाएगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो ये कलर निकल ना जाए। तो अभी मैंने पूरे बालों में नहीं किया है क्योंकि आपको दिखाना है। तो बस ये रहे, अब मैं इसको जल्दी से ब्लो ड्राई करूँ। तो मेरे हाथ गीले हैं तो मैं इसको छू नहीं सकती, जल्दी से ब्लो ड्राई करती हूँ। हाथ पूरा कलर जा चुका है तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है। चलिए इसको ब्लो ड्राई करते हैं और फिर बस आपको दिखाते हैं बाल कैसे। ओके, सॉरी, डरना नहीं। तो अब मैंने ब्लो ड्राई कर लिया है, तो अब बस अपनी एक पुरानी कंघी से उसको आप सीधा काला, पुरानी की कंघी लेके उसको आप से कॉम्ब करिए। वाला आपको दिख रहा है ये कलर, सी आपका एक एक स्ट्रैंड वो कोटेड है रेड से। तो आपको ये कलर दिख रहा है, ये मैंने अभी घर पे किया है। और इसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए आप कर सकते हो। तो ये रहे मेरे रेड बाल जो आपको दिख रहे हैं। तो ऐसा चाहिए तो मैं अपने पूरे बाल कर सकती हूँ, मुझे जैसा चाहिए मैं कर सकती हूँ। और वो विद इन जैसे ही पानी लगेगा वो निकल जाएगा। तो दैट्स अमेजिंग, लुक एट द डिफरेंस मेरे ब्लैक बाल और लुक द डिफरेंस मेरे ब्लैक बाल और ये आपको अलग ही दिखेगा। और वो पूरा स्ट्रैंड उसने कोट कर दिया है, बहुत अच्छा लगता है ऐसा दिखता है। और वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। बस यही था आज का वीडियो जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ अबाउट दिस ऑसम प्रोडक्ट जिसका नाम है लॉरियल पेरिस का कलरिस्टा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और मैं आपको मिलूंगी ऑन ट्यूसडे अपने एक नए वीडियो के साथ। और ऐसे ही ऑसम रिव्यू प्रोडक्ट्स लाते रहूंगी जो कि बहुत ही सस्ता है। और आपको कभी रेड चाहिए आप रेड कर सकते हो, ब्लू, ग्रीन, मल्टीपल कलर्स आपको चाहिए आप कर सकते हो। और ये बहुत इजीली सिर्फ पानी लगने से निकल जाएगा जो मैंने आपको दिखाया था। कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं, बाल ऐसे डाल सकते हैं, चोटी बना सकते हैं जिसमें आपको रेड कलर शो करना है, ऐसे फ्लिक्स में रेड कलर कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू आपको कौन सा स्टाइल करना है। बहुत सारे आपको आइडियाज मिल जाएंगे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो प्लीज करिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें नहीं तो मिस कर रहे हैं। तो बस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे और मेरे रेड बाल अच्छे लगे तो गिव इट अ थम्स अप। और अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
वो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बस तब तक के लिए बाय।